किसी के भी जीवन में विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है और ऐसे अवसरों पर जो गिफ्ट यानी कि तोहफे दिए जाते हैं उसका भी बेहद खास महत्व होता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने इन तोहफों में भी एक बड़ा नवाचार किया है। ये क्या नवाचार है और किस तरह से इसने एक अलग जगाई है, इस मुद्दे पर बातचीत करने खुद मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक नयापन आपने, एक नवाचार आपने शुरू किया है, किस तरह से विवाहित जोड़ों को आप क्या गिफ्ट देते हैं, क्या तोहफा देते हैं और उसके पीछे मकसद क्या है? अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मुख्यमंत्री निकाह योजना। उसी के अंतर्गत हमने मेरी विधानसभा क्षेत्र सेंधवा जिला बड़वानी में, सेंधवा में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। 1151 जोड़े का हमने लक्ष्य रखा था, जिसमें 1051 जोड़े के सामूहिक विवाह और निकाह योजना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, कार्यक्रम की अध्यक्षता नंद कुमार सिंह चौहान ने की। और उसके अंतर्गत हमने जो शासन की योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता होती है, 25,000 रुपये शासन की ओर से दिए, और हमने उसमें एक ये चीज़ें जोड़ी है कि क्योंकि आज विश्व में कहो या देश में कहो या प्रदेश में कहो, आज एक महती आवश्यकता हो गई कि पर्यावरण को बचाना, प्रदूषण को बचाना, इस विषय को लेकर हमने जो विवाह में जो लोग जिनके विवाह हुए पति पत्नी को हमने 2 फलदार वृक्ष एक नवाचार के रूप में वहाँ पर हमने बच्चियों को हमने दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से घोषणा भी की कि जब भी हमारे कार्यक्रम आगे होंगे और उस कार्यक्रम में 2 पौधे जरूर उसको प्लांटेशन करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम होंगे, क्योंकि इस बात को हम एक जन भागीदारी जन आंदोलन का हम रूप देना चाहते हैं। इसके लिए हमने जितने भी हमारे जो विधायक बंधु हैं, सांसद हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको एक हम एक अनुरोध पत्र में भेज रहा हूँ कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने अपने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र और अन्य जनपद है, जिला पंचायत है, उन सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में सामूहिक विवाह हो या निकाह योजना हो, इसमें पति पत्नी को 2 पौधे जरूर देके, क्योंकि ये जो 2 पौधे एक अपने आप में ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो पति पत्नी हैं एक उनका यादगार पल को हमेशा यादाश्त बनाए रखेगा और उनकी आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि हमारे पिताजी मदर की शादी में शासन ने ये जो पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो 2 पौधे, ये वास्तव में एक अभिनव प्रयोग हम प्रारंभ कर रहे हैं। और जहाँ पर भी हम जाते हैं पर्यावरण मंत्री होने के नाते हम जरूर इसको इस जन आंदोलन का हम रूप देने जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर पर्यावरण में तो आप बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, कुटीर और ग्रामोद्योग में भी आपने कई नवाचार किए हैं, कई पहल की हैं जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, हमारे कुटीर एवं ग्रामोद्योग ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बड़े उद्योग तो बड़े उद्योगपति जिनकी पूंजी ज़्यादा है वो उसमें निवेश करते हैं, परंतु इसमें कुटीर एवं ग्राम उद्योग के अंतर्गत हम जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कुटीर उद्योग हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत करीब 6,000 युवा युवतियों को हम मतलब ये कुटीर उद्योग के माध्यम से योजना का लाभ दे रहे हैं। इसके अंतर्गत 10,00,000 रुपए सरकार उनके लिए देती है, जिसमें जनरल लोगों को 1.5 लाख का अनुदान है, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों को 2 लाख का अनुदान है। इस प्रकार से छोटे छोटे कुटीर उद्योग हम
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो रेशम जो उद्योग है, आज के समय में कृषक बड़ी रुचि के साथ रेशम की खेती करने लग गए हैं, जिसके सम हमारे यहाँ होशंगाबाद और पंचवाड़ी के अंदर जो हमारा जो रेशम का बीज है वो जो तैयार होता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका खेती करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले 5 साल में 2022 तक खेती को के अंदर जो आय हो रही है वो दुगने करने की योजना है, और इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर दें। बहुत बहुत शुक्रिया अंतर सिंह आर्य जी। तो कई पहल यहाँ पर की गई, सबसे महत्वपूर्ण पहल ये कि जितने भी नव दंपति हैं उन्हें फलदार 2 वृक्ष दिए जा रहे हैं, और ये अपील सभी विधायकों से की जा रही है, सभी जनप्रतिनिधियों की से की जा रही है, और खुद अंतर सिंह आर्य जी इस पूरी मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं। ग्राम उद्योग की जहाँ तक बात की है तो साफ तौर पर कह दिया गया कि रेशम के जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और कृषि आधारित और ग्राम आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसे और बेहतर और सुदृढ़ किया जाएगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।